नमस्कार दोस्तों, आपने क्लिक किया है YouTube चैनल बॉलीवुड ब्लंट पर। मैं हूँ रंजीत कुमार। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अक्षय कुमार के लव लाइफ के बारे में। जी हाँ, अक्षय कुमार जैसा कि आप लोग जानते हैं कि काफ़ी दिलफेक किस्म के रहे हैं अपने ज़माने में, तो उनकी सबसे पहले बॉलीवुड में एंट्री मारने के बाद उनकी ज़िंदगी में आई पूजा बत्रा। जी हाँ, वही पूजा बत्रा जो काफ़ी लंबी दिखा करती थी एक समय में। तो उसके बाद पूजा बत्रा के बाद अक्षय कुमार की ज़िंदगी में आई आयशा जुल्का। आयशा जुल्का और अक्षय कुमार एक साथ खिलाड़ी फिल्म में नज़र आए थे, तो सेट के दरमियान ही दोनों के बीच प्यार मोहब्बत बढ़ी। आयशा जुल्का के बाद उनकी ज़िंदगी में एंट्री मारी मोहरा बनकर रवीना टंडन। जी हाँ, रवीना टंडन और अक्षय कुमार के बीच प्रेम पनपा मोहरा फिल्म के सेट पर। उसके बाद अक्षय कुमार की ज़िंदगी में आई कुछ थोड़े ही समय के लिए रेखा आई। रेखा खतरों के खिलाड़ी में जहाँ रवीना टंडन भी थी, अक्षय कुमार भी थे और अपनी रेखा भी थी, तो दोनों के बीच में खासकर रेखा को आकर्षित हो रही थी रेखा अक्षय कुमार के प्रति। रवीना टंडन ने कहा कि भाई मैडम देखिए, हम ये अक्षय कुमार मेरा है, आप इनसे ज़रा फासला ही बना कर रखिए। जी हाँ, उसके बाद आई उनकी ज़िंदगी में ट्विंकल खन्ना। तो अक्षय कुमार ट्विंकल खन्ना की दोनों की शादी हो गई। हालांकि इतने पर रुकने वाले नहीं थे अक्षय कुमार, रंगीन मिजाज शादी के बाद भी बनी रही। अंदाज फिल्म के सेट पर पहली बार मिले अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा, दोनों के बीच प्रेम हुआ। लेकिन ट्विंकल खन्ना ने यहाँ अपने पत्नी का रूप दिखाया और कहा कि भाई देखिए अब बस। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ नई बात बताऊंगा मैं बॉलीवुड के लिए, लेकिन आपको करना है सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट भी करना है। थैंक यू।